लोगों का जन्म शाम 6 बजे से रात 8 के बीच हुआ है, ऐसे लोगों का नेचर और कैसा रहता है और साथ ही सेहत कैसी रहती है और आने वाला भविष्य कैसा रहता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों का कुंडली में छठे घर में सूर्य होता है। छठे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तीसरे छठवें और ग्यारहवें स्थान का सूर्य जन्म कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है। रोगहनता और शत्रुहनता होता है। ऐसे लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ये दोस्तों और सीनियर्स पर निर्भर रहते हैं। बस तीसरे घर का सूर्य जो है बड़े भाई को मार देता है। अगर किसी के कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य है, उसका बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के जीवन को संकट रहेगा। या अगर तीसरे भाव में सूर्य होगा तो उसको बड़ा भाई हुआ होगा और वो नहीं होगा। बाकी सूर्य तीसरे भाव का पराक्रम ऐसा देता है कि अतुलनीय देता है। जिम्मेदारी निभाने की कला ऐसी देता है जो लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में सूर्य होता है, वो समाज का हीरो होता है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन लोगों को सेहत का पूरा साथ भी मिलता है और ऐसे लोग हर काम को सावधानी से करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।